लिम्रा न्यूज़, हम दिखाते हैं सच। देश प्रदेश की सभी सच्ची खबरों के लिए देखते रहिए लिम्रा न्यूज़। नमस्कार, मैं जितेंद्र नारायण सिंह हूँ। आज से 1.5 साल पहले मैं वसीम रिजवी हुआ करता था। मैं बेघर हो गया, मैं नहीं डरा। मैं हत्या करने की धमकियों से भी नहीं डरा, लेकिन आज मजबूर अकेला हूँ, अनाथ हूँ, क्योंकि मेरी बात कोई नहीं सुनने वाला। मेरे खिलाफ जो फर्जी मुकदमा लिखवाया गया, मैं सनातन धर्म के सभी संगठनों महामंडलेश्वरों के दरवाजों पर गया, उनसे कहा कि भाई मेरी उच्च स्तरीय जांच करा दीजिए। पुराने लखनऊ की पुलिस अपने ऊंचे अधिकारियों को गुमराह कर रही है, उनके दबाव में है, निष्पक्ष जांच नहीं हो रही। सीबीआई से जांच करा दिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। उन मुल्लाओं को भी बेनकाब किया जाए जो सनातन धर्म के लोगों के खिलाफ नाजायज साजिश करते हैं। लेकिन हालात बस से बदतर हो गए। मेरे खिलाफ फर्जी मुकदमों में चार्जशीटें भेजी जा रही हैं। चौक से भेजी गई, थाना चौक से भेजी गई, थाना शहादतगंज से भेजी गई। अब तो मुझ पे गैर जमानती वारंट लेकर मेरे घरों की कुर्की की नौबत आ गई है। मैंने बहुत दुखी मन से देश के राष्ट्रपति महोदया से अपील की है, इच्छा मृत्यु के लिए पत्र लिखा है कि मुझे अनुमति दी जाए, क्योंकि मैं बहुत डिप्रेशन में हूं। रोज एक कदम अपने सुसाइड की तरफ बढ़ रहा हूं। मैं अकेला हूं, मेरी आवाज कोई पहुंचाने वाला नहीं। सब ने कहा, आश्वासन दिया कि मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा, लेकिन उन तक मेरी बात पहुंची नहीं, क्योंकि वो न्याय का देवता है। अगर उन तक मेरी बात पहुंचती तो आज मेरा हाल ये ना होता, मुझको भी न्याय मिलता। मैं मजबूर हूं, मेरी मदद कीजिए।